राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ। और आज सुबह की शुरुआत कर रही हूँ मैं इस पैंट्री को ऑर्गेनाइज़ करने से। मतलब ये दो अलमीरा है जिसमें मैं थोड़ा अपना घर का जो सामान होता है वही रखती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज हो गई थी तो इसको मुझे लाइनर भी चेंज करना था, तो मैं दूसरा लेके आई हूँ। पहले वाला मैंने हटा दिया था कुछ दिन पहले ही, लेकिन लाइनर मैं नहीं ला पाई थी क्योंकि अच्छा नहीं मिल रहा था मुझे। आज मैंने इसको लगा दिया है क्योंकि इसकी जो अलमीरा है ना उसमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ ऑयल ऑयल सा चिपका है, तो बिना इसमें कुछ लगाए हुए आप सामान नहीं रख सकते। अब ये कुछ ऑर्गेनाइज लग रही है और अच्छी लग रही है, और हर चीज़ ऑर्गेनाइज रहती है तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे काम करने में अच्छा लगता है। अब मैंने सुबह के सारे नाश्ते के बर्तन वगैरह सब धुल लिए हैं। आज ये नलका बहुत ही सुबह से टप टप कर रहा है, इसको हमने कंप्लेन दी है, वो आके बना जाएंगे। आज लंच के टाइम में मैं बना रही हूँ यहाँ पे चने वाली दाल, मतलब इसमें मैंने लौकी डाली है। आज मेरा जो छोटा वाला मिक्सर है ना उसमें मैंने सोचा कि मैं मसाला पीस लूँ, लेकिन पता नहीं इसको क्या हो गया, ये ना फाइनली पीस नहीं रहा था। बट जो भी है अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि हस्बैंड है नहीं अभी, और ये हो गया था। वैसे सेटिस्फाइड नहीं थी मैं क्योंकि पता नहीं कैसे चिपका चिपका सा रहता है, इसको मैंने धुला भी है फिर भी ऐसा ही है, तो देखते हैं क्या होता है इसको। मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल था जब इसको आए थे ना, तो इतना ऑयल था यहाँ पे कि जो पहले रहते थे उन्होंने पता नहीं इसको कैसे रखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे दाल बन गई है। दाल में मैंने टमाटर नहीं डाला है आज क्योंकि मुझे नहीं डालना था और मेरे को ऐसे ही अच्छी लगती है, और चने और लौकी की दाल बहुत ही अच्छी लगती है। आपको अच्छी लगती है या नहीं आप बताओ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद लास्टली इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। गर्मी की वजह से ना कोई भी काम करने का मन नहीं होता है, तो यहाँ पे मैंने कर लिया सैलड और ये राइस, साथ में बना लिया मैंने चपाती। हस्बैंड आ गए थे, मुझे लंच देने ही जा रही थी तभी मैंने सोचा कि मैं दिखा देती हूँ। और ये है दाल। आज सब्ज़ी नहीं बनाई थी क्योंकि लौकी मैंने दाल में डाली हुई थी, और शाम के नहीं दोपहर के समय मैं थोड़ा खाली थी आज, तो मैंने सोचा कि मैं इसको बना लेती हूँ। ये ना एक डब्बा था सॉल्ट का, तो मैं इसे सोच रही थी ना कि इसको ऐसे ही सामने से दिख रहा था, मैंने सोचा कि ये पेपर रखा हुआ है जो मैं किचन में अलमीरा में लगाने के लिए लाइनर लाई थी, उसी के साथ मैं ये भी पेपर लाई थी भगवान की अलमारी के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं इसको इसमें बना के देखती हूँ कैसा लगता है। और ये बहुत अच्छा टर्नआउट हुआ था। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है आप ऑर्गेनाइज़र्स बाहर से लें। वैसे तो ये प्लास्टिक का डब्बा है, पहले मैंने कांच के जार में रखा था, लेकिन जो कांच का जार था ना वो उसका जो मुँह था काफ़ी छोटा सा था, तो उसमें से निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो अभी ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। फिर आज मुझे एक ब्लड टेस्ट करवाना था अपना, जो मैं सुबह एक बार गई हुई थी फास्टिंग पीरियड में करवाने के लिए, और दूसरा ये अभी लंच के बाद जाना था, एक दो घंटे बाद बुलाते हैं, तो अभी मैं गई थी वो, और हस्बैंड मेरे एक फॉर्म लेने गए थे तो मैं वेट कर रही थी। आज मैं अपने लिए लाई हूँ हेयर टाइज, ये काफ़ी अफोर्डेबल मिल गई मुझे पता है। शाम को मैंने बनाई आज मैकरोनी बहुत दिन बाद, क्योंकि मेरा इतना चटपटा खाने का मन हो रहा था। इतनी गर्मी होती है ना कुछ भी खाने का मन नहीं होता, लेकिन आज मेरा बहुत चटपटा खाने का मन हो रहा था। और ये चॉपर भी आज पता नहीं आज हर चीज़ में चॉपर में और मिक्सर में क्या हो गया कि फाइनली कोई भी चीज़ ना पेस्ट नहीं मतलब बना नहीं रही थी। तो यहाँ पर मैकरोनी का पूरा मसाला मैंने बना लिया है, और मुझे मैकरोनी बहुत अच्छी लगती है, और मुझे मतलब नूडल्स और मैकरोनी बहुत अच्छी लगती है। नूडल्स में मैगी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो प्रॉपर नूडल्स होती हैं जैसे हक्का नूडल्स वगैरह वो सब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और आज मैंने डिनर में यही बनाया था, आज डिनर हमने नहीं बनाया था क्योंकि कुछ खाने का ऐसे इनका मन नहीं था, तो हमने कहा कि ऐसे कुछ बना लेते हैं चटपटा सा, तो आज हमने मैकरोनी बनाई थी। और आजकल दो तीन दिन से मैं व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ, मतलब लंबे व्लॉग्स, क्योंकि गर्मी की वजह से मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ, और मतलब पूरा दिन ऐसे कुछ खास काम होता नहीं है, और जब भी हॉस्पिटल जाना होता है तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पाता है कि व्लॉग कर सकूं। तो ये व्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। और आइए आप लोग भी मैकरोनी खा लीजिए। बाय गाइज़।